सुनील कुमार सिंह जी। आदरणीय सभापति महोदय, आपने नियम 193 के तहत कृषि की समस्या पर मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आभार प्रकट करते हुए मैं सदन में ये कहना चाहूंगा कि कृषि की समस्या हमने आजादी के बाद से जो विकास के पैमाने तय किए, जो विकास के रास्ते तय किए, आज उसी का फल हम भुगत रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से असमय बारिश और ओले के वृष्टि के चलते किसानों को जब तबाही हुई, उसमें पूरे देश के किसान तबाह हुए। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं, झारखंड, वहां के भी किसान, खास करके लातेहार, चतरा, पलामू, गढ़वा सहित पूरे झारखंड के किसान ओलावृष्टि और असमय बारिश के चलते परेशान हुए और उनकी फसल मारी गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत जो किसानों के राहत की बात कही, और खास करके जिस तरह से उन्होंने जो 50% से नुकसान का दायरा 33% तक घटाया, उसका लाभ सचमुच झारखंड के छोटे छोटे और मझोले किसानों को मिलने वाला है, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन हमें विचार करना होगा कि ये कृषि की स्थिति देश में बार बार ऐसे क्यों होती रही। सच्चाई ये है कि देश की आजादी के बाद से अब तक जो 12-13 पंचवर्षीय योजनाएं आई, उसमें से मात्र एक योजना, पहली योजना में हमने कृषि को प्राथमिकता दी थी, अन्यथा आज तक देश का कृषि क्षेत्र अपनी योजनाओं में मात्र 3-4% ही उनको अंशदान मिलता है, उसी हिसाब से बजट की प्रावधान होता है। क्या यह विचार का विषय नहीं है कि देश की आबादी, जिसको हम आज 68% कहते हैं, जो कृषि पर निर्भर है, वैसे ये संख्या भी बेमानी इसलिए हो जाती कि आज दिल्ली जैसे महानगरों में रहने वाले लोग भी, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं कृषि से सरोकार है, उस 75% आबादी की हमने चिंता नहीं की। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, वो किस तरह से हमने देश के अंदर नीतियों के गड़बड़ी के चलते कृषि को नुकसान पहुंचाया है। देश की आजादी के बाद कभी हमने कबूतर उड़ाने के रोमांस के तहत रशिया की नीति अपना ली, और कभी हम अमेरिका की ओर झुक गए, नतीजा इस देश के किसानों का बंटाधार होते रहा है। अगर हम आजादी के पूर्व जाएं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो आप ही के मद्रास प्रेसिडेंसी में यह उल्लेख है कि रामनाथपुरम जिले में 18वीं शताब्दी के अंतिम दिनों में प्रति एकड़ 20 टन धान का उत्पादन होता था। अगर आज के पैमाने पर हम जोड़े तो प्रति एकड़ 8 टन धान का उत्पादन, जबकि हमने अनेकों क्रांति और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद भी आज हम मात्र 35-40 क्विंटल प्रति एकड़ आज भी उत्पादन कर पाते हैं। उसका कारण यह रहा कि हमने अपनी प्रकृति और भारत की जो कृषि की संस्कृति है, उसके अनुरूप कृषि को प्रश्रय नहीं दिया। उसके हिसाब से हमारे जो परंपरागत साधन थे, जिसमें तालाब था, आहर था, कुआं था, इन विधियों को छोड़ के हमने सीधे बड़ी बड़ी जो योजनाओं का अनुसरण किया, उसके चलते हमारी कृषि को यह नुकसान पहुंचा। मैं इस सदन को इसलिए ध्यान दिलाना चाहूंगा कि देश के अंदर लगभग 22,000 से ज्यादा धान की प्रजातियां थी, और हर क्षेत्र के लिए धान था। बलिया जिले में एक सुरहा ताल है, जहां हमने देखा कि जितना पानी ऊपर आता है, उतना एक बीता वो धान का फसल ऊपर उड़ जाता है। इसका अर्थ ये था, सच्चाई ये थी कि हमने अंधाधुन नकल किया, लेकिन हमने अपनी प्रकृति और प्रवृत्ति के हिसाब से उस पर विचार नहीं किया। मैं आज भी ये कहना चाहूंगा, और खासकर माननीय कृषि मंत्री जी का यह ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, कि आज भी हमारी आवश्यकता लगभग 200 किलोग्राम प्रति व्यक्ति है, लेकिन हमारा उत्पादन 175 से 180 किलोग्राम है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, और इस प्राप्त करने के लिए हमें नीति आवश्यकताओं के अनुसार बनानी होगी। अगर हम भारत के हिस्से को देखें, तो अगर हमको कानपुर को अगर पैमाना माने, तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्ट ऑफ कानपुर और वेस्ट ऑफ कानपुर ये खेती के दो दुनिया है। जहां वेस्ट ऑफ कानपुर में कृषि उन्नत है, सब सुविधाएं उपलब्ध है, वही जो पूर्वोत्तर का क्षेत्र है और पूरब के राज्य हैं, वहां कृषि में आधारभूत संरचना की कमी है। आज भी हमारे खेतों को पानी नहीं मिलता है, आज भी हमारे खेतों को सही बीज नहीं मिलता है। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से ये आग्रह करूंगा,
कि खासकर आप आगे जब भी कृषि बना की नीति बनाए तो अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से उसकी नीति बनाए और तभी हम आगे आने वाले समय में आगे बढ़ेंगे। मैं अंत में एक बार फिर कृषि मंत्री जी से झारखंड पर विशेष ध्यान देने की मांग करते हुए अपनी बात को विराम दूंगा। धन्यवाद।